कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को एनसीबी जिले के चिरमिरी शहर पहुंची। कोरबा लोकसभा क्षेत्र के चिरमिरी डोमन हिल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी खुद को बड़ा ईमानदार बताते हैं, लेकिन इस देश में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्कीम वे ही लेकर आए। यह स्कीम थी जो चंदा देगा उसका नाम गुप रहेगा। इसके तहत अपने बड़े बड़े मित्रों से चंदा लिया, पहले उनके ऊपर छापा मारा, फिर चंदा लेकर जांच बंद कर दी। उन्होंने गुजरात में पुल गिरने की घटना का उदाहरण भी दिया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने चिरमिरी की सुंदरता की तारीफ करते हुए कहा कि मेरी दादी कहती थी कि आदिवासी भाई बहनों ने हमेशा प्रकृति का सम्मान किया है। यह राम कुमार दुबे की भी जन्मभूमि है, यह आपकी जमीन के महापुरुष हैं। सभी ने अपनी भूमिका निभाई। यहाँ प्रदेश के कई इलाके से लोग आए और खदानों में उन्हें रोजगार मिला। सभी ने अपनी धरती के लिए मेहनत की, बच्चों के भविष्य के लिए सभी ने मेहनत की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि भूपेश बघेल ने प्रदेश को आगे बढ़ने की काफी कोशिश की, इस वजह से उन पर काफी प्रहार हुआ। दिल्ली ने भी सभी ने छत्तीसगढ़ के बारे में देखा और सुना, यह बात बीजेपी को पसंद नहीं आई। बीजेपी की राजनीति कुछ अलग है। चिरमिरी में सबसे पुराना कोयला खदान है। खदान के राष्ट्रीयकरण का काम इंदिरा जी ने किया था। आज देश में मजदूर विरोधी राजनीति चल रही है। भाजपा के नेता देश की खुशहाली की बात करते हैं, लेकिन ये आपकी बात नहीं करते। प्रियंका ने कोविड वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर आई रिपोर्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि टीका लगवाकर कुछ लोग मर गए, कुछ बीमार हो गए। पहले सर्टिफिकेट मिलता था तो उसमें मोदी जी की फोटो होती थी, लेकिन अब लगवाओगे तो नहीं मिलेगी। प्रियंका ने कहा कि मोदी सरकार में गरीबों के साथ अन्याय हुआ, खरबतियों और उद्योगपतियों के साथ नहीं हुआ। बड़े बड़े भ्रष्ट नेताओं को अपने पार्टी में डाल रखा है, जो दूसरी पार्टियों के नेता थे, पहले उन पर दबाव डाला, जांच शुरू की, जब उनकी पार्टी में आ गए तो वह दूध के धुले हो गए।